नमस्कार, आज मैंने बनाया है दाल मखाना मखनी। इसे बनाने के लिए जनों के अनुसार जितने के लिए बनाना हो उस अनुसार हम चना का दाल अच्छी तरह से साफ पानी में धो लेंगे और इसे धोने के बाद प्रेशर कुकर में थोड़ा पानी डालकर इसे उबाल लेंगे और इधर घी में हम मखाना को फ्राई कर लेंगे। फ्राई करते समय हम 12-15 पीस टुकड़ा काजू डाल देंगे। काजू को भी मखान के साथ फ्राई कर देंगे। इधर तेल में खड़ा गरम मसाला, जीरा, लाल मिर्च, तेजपत्ता और थोड़ी सी हींग डालकर इसे चटका लेंगे और उसके बाद 2 बड़ा प्याज चॉप करके फ्राई कर लेंगे। इधर देखिए 50 से 100 ग्राम पनीर में हम कच्चा प्याज, हरा मिर्च, लहसुन चॉप, अदरक सबको हम 10-12 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दिए थे। जैसे प्याज जब सुनहला हो जाए तो सबको हम डाल देंगे और इसमें 2 बड़े टमाटर का टुकड़ा काट कर डाल दिए हैं। ये सब डालने के बाद हम इसको कुछ देर के लिए ढक देंगे जिससे सारे टमाटर आपस में मिल जाए। इसके बाद इसमें हम मसाला डालेंगे जिसमें धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक सब अपनी इच्छा के अनुसार डालेंगे। और जब अच्छे से मसाला भुन आ जाए तो चना दाल जिसे हम उबाले थे उसे डालकर कुछ देर के लिए भून देंगे और उसी उबाला हुआ पानी को हम ग्रेवी बना लेंगे। जब अच्छी तरह से खोल जाए तो उसमें हम मखाना डाल देंगे और कुछ देर के लिए इसे हम उबलने देंगे धीमी आंच पर। जब ये गाढ़ा हो जाए तो इसमें ऊपर से हम थोड़ा गरम मसाला मिलाएंगे पाउडर इसका और धनिया के पत्ता के साथ गार्निश कर देंगे। देखिए काजू इसमें कहीं कहीं पे काजू नज़र आ रहा है और ये खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है और इसे हम सर्व करने के लिए निकाल रहे हैं। सर्व करते समय में इसमें थोड़ा हम घर में ही मक्खन बनाए हुए हैं ताज़ा मक्खन, उस मक्खन को डाल देंगे जिससे इसका फ्लेवर और अच्छा हो जाता है और ये बहुत ही डिलीशियस लगता है। इसे हम रोटी और चावल के साथ खा सकते हैं। आप भी बनाइएगा। धन्यवाद।